वेल दोस्तों, मैं हूँ मूडी जे और मैं आपके लिए लाया हूँ फार क्राई 3 सिग्नेचर वेपन्स। तो हम इधर इसमें पता करेंगे कि फार क्राई में सिग्नेचर वेपन्स कितने तरीके के होते हैं और इनका रिकॉइलिंग रेट कैसा होता है और मार्किंग कैसी होती है। तो हम अभी चलते हैं सिग्नेचर वेपन्स की कैटेगरी में। ये हमारा नीचे रहा सिग्नेचर वेपन। तो सिग्नेचर वेपन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास गन्स कितनी है, टोटल 6 हैं। ये ऊपर वाला शेडो है पिस्टल, नीचे वाला कैनन रिवॉल्वर, थर्ड शेडर असॉल्ट राइफल जो वेक्टर बेसिस पे है, बुल जो है शॉटगन है एंड बुशमैन, और नीचे एक स्नाइपर राइफल होता है जिसे AMR कहते हैं। तो हम इन सारे की जो है टेस्ट करने वाले हैं कि इनकी रिकॉयल और जो टारगेट है वो कैसा होता है। तो मैं इसको वेपन स्लॉट में पहले अवेलेबल करता हूँ। तो हमारे पास स्लॉट जो है वो 4 वेपन्स के लिए अवेलेबल हैं, बट हमारे पास 6 हैं। तो हम पहले 4 वेपन्स को टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए पहले जगह देखते हैं कि कोई अच्छी जगह हो जहाँ पे इसका हम एम टेस्ट कर पाए। तो मेरे ख्याल से इधर अगर हम वुड पे करें तो कैसा रहेगा? नहीं, इधर लाइटिंग नहीं है तो इधर हमें पता नहीं लग पाएगा, मुझे कोई दूसरी जगह लेनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से हम ये जो लॉजिस्टिक्स बॉक्स है इसके तरफ टेस्ट करते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट टेस्ट है, इसमें मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि इसकी रिकॉइलिंग कितनी तगड़ी है, तो इसमें एम करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो शेडो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है सिग्नेचर वेपन के लिए। अब ये आता है हमारा रिवॉल्वर। इसकी भी रिकॉयल जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने डिफॉल्ट पे रखा हुआ है, बट इसकी भी रिकॉयल ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ये हमारा बुल है शॉटगन, बट आप देख पा रहे हो ये कितना स्प्रेड हो रहा है। ऑल दो ये सिग्नेचर वेपन है, इसे और भी अच्छा होना चाहिए। ये हमारा श्रेडर है, श्रेडर बहुत ही अच्छी गन है जिसकी रिकॉइलिंग काफ़ी अच्छी होती है। ये डिफ़ॉल्ट पे है और आप देख पा रहे हैं कि इसकी रिकॉइलिंग कितनी अच्छी है। तो आप जितने भी पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स ट्राई करेंगे वो सारे ही इस फार क्राई थी में अच्छे नहीं है उनकी एमिंग, और रिकॉइलिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिग्नेचर वेपन में अगर असॉल्ट राइफल की बात करूँ तो श्रेडर बहुत अच्छा है। और शॉटगन तो खैर नाम के लिए ही है। तो चलिए और भी जो बाकी के जो दो सिग्नेचर वेपन है उनको भी ट्राई करके देखते हैं। सो मैं दोबारा अपने स्टोर में जा रहा हूँ और फिर दोनों वेपन्स को मैं अपने वेपन स्लॉट में अवेलेबल करता हूँ। तो हमारे दो जो वेपन बचे हुए थे वो एक था बुशमैन और एक AMR। बुशमैन जो है वो एक असॉल्ट राइफल है, और जो AMR है वो आर्मर पायरसिंग बुलेट्स के साथ एक स्नाइपर राइफल है। चलो दोनों को टेस्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं AMR में जो है टेक्सचर भी पहले से दिया हुआ है। हम इन सारे गन्स को कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिग्नेचर वेपन है।
फिर हम कार्गो बॉक्स को यूज़ करने वाले हैं। ये है हमारा बुशमैन, इसकी रिकॉइलिंग देखिए, इसकी रिकॉइलिंग भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी तक जिसकी भी रिकॉइलिंग सबसे अच्छी हुई है वो श्रेडर ही है, जो वेक्टर गन है एक। और ये है हमारा स्नाइपर राइफल। सो ये आर्मर पैरसिंग होता है, बस इसमें ये दिखाई नहीं देगा कि मतलब आर्मर को पैर्स करके निकलेगा, बट इसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है। ये देखिए जैसे मैं शॉट कर रहा हूँ तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ताकतवर है। ये है इस गन की असली पावर। सो मैं ट्राई कर रहा था ये कि वुडन के ब्लॉक पे कुछ असर करती है कि नहीं, बट उधर नहीं करती। और ये जो लैम्प पड़ा हुआ है वो एक टेक्सचर बेस्ड लैम्प लाइटिंग है। सो ये ओरिजिनल लैम्प नहीं है जो कि डैमेज होती हो। और ये कुत्ता कहाँ से आ गया भाई? मेरे ख्याल से गन की आवाज़ सुन के जो है ये कुत्ते आ गए हैं। अब इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो हम अब दोबारा से गन की टेस्टिंग करके देखते हैं। ये है इसकी असली ताकत। इस गन का अलग ही जलवा है। बस ये है कि इसमें हम साइलेंसर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास कस्टमाइज करने का ऑप्शन ही नहीं है इस गन के साथ। जैसे आप इसमें हैवी आर्मी देखते हो ना, तो हैवी आर्मी को आप इससे एक बुलेट में जो है ख़त्म कर सकते हो।